Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmed Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmed Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena Wembley. Book your tickets now. जब तक निदा का रिश्ता तुम्हारे भाई से तय नहीं हो जाता, ये बात तुम मीना को नहीं बताओगी। वादा करो मुझसे। तुम मुझसे क्या चाहती हो सुनारा? अपना दिल मेरे लिए साफ कर लो और दिल से मुझे माफी दे दो। ये दोस्ती और मोहब्बत का नाटक ना ज्यादा अरसे मुझसे होगा नहीं। तुम इस वक्त ऐसे शुक्र है कि मीना को भी थोड़ी अकल आ ही गई। जुनैद की जिंदगी में भी सुकून आएगा जरा, वरना उसका उतरा हुआ चेहरा देख देख के मैं तो परेशान ही हो गई थी। और सीधा बच्चा है, बहुत सब्र वाला है। हाँ माँ, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। जुनैद जैसे लड़के किस्मत वालों को ही मिलते हैं और मीना तो उससे भी ज्यादा किस्मत वाली है। जुनैद को पाने के लिए उसने कोई कोशिश ही नहीं की, फिर भी जुनैद उसे मिल गया। जब मेरी फारिस से शादी हो रही थी तो मैं भी अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझ रही थी। पांव तो जमीन पे टिकते ही नहीं थे, बस हवा से बातें करती रहती थी। नजर लग गई शायद। नजर तो लगी है या फिर बद्दुआ। ये जुनैद इस वक्त कहाँ जा रहा है? जा रहे होंगे मियाँ बीवी कहीं, कोई फरमाइश की होगी मीना ने। टालने वाला तो है नहीं ना जुनैद, पता तो है तुम्हें। हाँ लेकिन मीना साथ है नहीं, अकेले जा रहा है। अच्छा भाई, मैं तो कहता हूँ सफीना रिश्ता अच्छा है, हैं? बात आगे बढ़ा लेते हैं भाई। आज के दौर में अच्छे रिश्ते मिलना मुहाल होता जा रहा है, समझती हो ना तुम? तो भाई लड़का देख लेते हैं, अगर पसंद आता है तो मेरा ख्याल है बात पक्की करने में देर नहीं करनी चाहिए, हैं? बात तो आप ठीक कह रहे हैं शकील साहब, रिश्ता अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, मगर मसला मीना का है। देखिए पहले तो जरा मुंह का लिहाज था, शर्मा शर्मी थी, अब तो वो भी नहीं रही। मुझे लगता है मीना जो है ना, वो अपनी दोस्त किरण के कान जरूर भरेगी हमारे खिलाफ। ये नहीं होने देगी निदा का रिश्ता किरण के भाई से। अरे तो मैं नहीं बताते मीना को, हैं? जुनैद को भी मना कर देते हैं, ना बताए भाई। वो अपनी बीवी की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो संभाल लेगा। मतलब अब एक मीना के चक्करों में इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देंगे क्या? भला कमाल है। ये भी ठीक है, उसे बताने की जरूरत ही क्या है, उसकी हैसियत ही क्या है। ऐसी जबरदस्ती पता नहीं कहां से मुंह उठाकर मेरे हीरे जैसे भाई की जिंदगी में आ गई। देखो तो एक दफा जरा ये निदा का मामला निबट जाए ना, फिर मैं इस मीना का भी बंदोबस्त करती हूँ। वैसे मैंने आज बुलाया है जुनैद को। क्या रिश्ते का बताने के लिए बुलाया? नहीं नहीं, एक और काम है, पहले ये जरा काम हो जाए उसके बाद रिश्ते का बताऊंगी। कौन सा काम मिला? बता दूंगी आपको। अरे भाई ये क्या नया सस्पेंस है भाई?
ऐसा कोई बात बताता ही नहीं है आप। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, ना बोर हो रही थी मैं, कभी तो दिन गुजरता ही नहीं है। हाँ तन्हा रहना कोई आसान थोड़ी है भाई, तुम कहो ना जुनैद को जल्दी आया करे, पहले भी तो जल्दी आ जाया करता था वो। कह रहा था आजकल काम बहुत ज्यादा है, वैसे भी मेरी सुनता कौन है, करता वही है जो उसके दिल में आता है। हाँ लेकिन बुरा ना मानना मैं ना, उसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है। पहले तो दिन में चलो अकेले छोड़ देता था, लेकिन अब तो रातों को भी चला जाता है अपने दोस्तों के साथ तुम्हें तन्हा छोड़ के। मैं देख रही थी कल खिड़की से, जा रहा था कहीं, मुझे लगा साथ तुम भी होगी, लेकिन तुम नहीं थी। वो किसी के साथ डिनर पे जा रहा था, मुझे क्या लेके जाता, वैसे भी मेरा खुद दिल नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता मुझे। तुम बहुत भोली हो मैं ना, मतलब जो वो कहता है तुम मान लेती हो, खैर अच्छी बात है, इस तरह इंसान मुतमईन तो रहता है। क्या मतलब तुम कह रही हो कि वो मुझसे झूठ बोल कर गया है? नहीं ये तो देखो ये तो वही जानता होगा, लेकिन कभी कभी आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा तकलीफ दे होता है, याद रखना मेरी बात। क्या मतलब आधा सच पूरा झूठ, मुझे नहीं समझ आ रही। नहीं देखो वो डिनर पे गया होगा ये तो 100% सच बात है, लेकिन साथ में कौन गई थी, गया था ये तो नहीं मालूम ना, तो नजर रखा करो उस पर, जरूरी है नजर रखना, यही बात थी बस। आप चाय 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 बना रही हो? मैं बनाती हूँ। जुनैद रात को अब्बा जी मेरे ख्वाब में आए, सफेद लिबास में मलबूस, ऐसा नूरानी चेहरा के बस, इतनी मोहब्बत से उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरा तो दिल वैसे ही भरा हुआ था, मेरे तो मुंह से एक लफ्ज ना निकला और मैंने रोना शुरू कर दिया। और पता है अब्बा जी तो जैसे मेरे दिल का हाल जानते थे, फौरन उन्होंने मेरी परेशानी का हाल बता दिया। कैसा हाल बाजी, क्या कहा उन्होंने? कहने लगे जुनैद को बोलो कि अपना गोदाम बेच दे और उससे जो पैसे मिले उससे निदा के लिए कोई घर खरीद ले। मैं तो कहने वाली थी कि अब्बा जी वो गोदाम तो जुनैद के रोजगार का वाहिद वसीला है, वो गोदाम बेच देगा तो कमाएगा कहाँ से, पर इससे पहले कि मैं कुछ कहती मेरी आंख खुल गई, अब्बा जी गायब हो गए। अरे जुनैद जाने दो ना, तुम तो सोचो में ही गुम हो गए, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, भूल जाओ वो ख्वाब की बात। अब देखो ना वैसे भी अगर तुम ये ख्वाब वाली बात पूरी ना भी करो तो कौन सा अब्बा जी ने यहाँ इस दुनिया में वापस आकर तुम्हारी पकड़ करनी, जाने दो। बस मेरा ऐसे ही दिल चाह रहा था, मैंने सोचा अपना जरा दिल ही हल्का कर लूं तुम्हारे आगे। वैसे अजीब सी बात है बाजी, मैं भी कुछ ऐसा सोच रहा था, एक काम कर लेते ना, मैं स्टेट एजेंट से मिल लेता हूँ, उससे कहता हूँ चेक तो करो मार्केट में कोई बायर है मेरे गोदाम के लिए, और इतने दिनों में आप भी कोई अपार्टमेंट देख लेने दा किए, जैसा भी आपको मुनासिब लगे, फिर देखते हैं अल्लाह को क्या मंजूर होता है। हाय जुनैद, अल्लाह तुम्हारे रोजगार में बरकत दे, तुम्हारी उम्र लंबी करे। मामू मामानी कल आ गए हैं कराची, मामू बता रहे थे कि उनकी मालकिन ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है उनके रहने का, बड़ा आरामदेह घर है। चलो तो अच्छी बात है, वरना मैं तो चाह रहा था कि हमारे पास आके रहें, तुम्हारी तन्हाई की शिकायत भी दूर हो जाती, वैसे भी बड़ों का घर में होने से बरकत होती है।
हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन उनको अकेले रहने की आदत है। मैं भी यही चाहती हूँ। पिछली दफा मामू आए थे तो टोक टोक कर मेरा जीना हराम कर दिया था। इस बार आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। जैसे चल रहा है ठीक है, मिलने चले जाएंगे। चलो उनसे पूछते हैं ना अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। नाश्ता करो, ठंडा हो रहा। ऐसे का दिल नहीं चाह रहा, बस चाय पी लूंगा। ममानी जान कहती है कि अगर सुबह नाश्ते के बगैर घर से निकला जाए तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। और फिर नवीद रात को गोदाम की चाबी बिखर गया होगा, वो कहाँ रखी है? अब यही रखिए, मैं देती हूँ। ये तो नवीद के पास होती है ना, छुट्टी पे है वो? नहीं लेकिन आज मैं वहां जाऊंगा। आज जाऊंगा क्या मतलब, पहले कहीं और जाते हो? नहीं मेरा मतलब है थोड़ा जल्दी जाऊंगा, जरूरी काम है। क्या हुआ, कोई बात हुई है? नहीं नहीं हुआ तो कुछ नहीं, बस मैं चलता हूँ। तो सुनो ये दरवाजा बंद कर लेना। जुनेद, जुनेद, जुनेद। हाँ मीना कहो। नहीं कुछ नहीं, वो मैं बस। अरे कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। हाँ मैंने पूछना था, मेरा मतलब ना, तुमने जो पूछना है शाम को पूछना, मुझे देर हो रही है, मैं जा। तुम इतने परेशान क्यों हो? अब झूठ मत बोलना कि कोई बात नहीं है, मुझे बता दो वरना मैं सारा दिन परेशान रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस बिजनेस में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स। मैंने तुम्हें कभी छोटी मोटी बात पे परेशान होते हुए तो नहीं देखा। तुम नहीं बताना चाहते तो वो अलग बात है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे लिए परेशान होने का शुक्र, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है। मीना क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, इसलिए तो भागते हुए गई थी जुनेद के पीछे। कसम से बहुत परेशान हूँ। तो मजाल है कि कुछ बताया हो मुझे सवालों के बावजूद, कोई जवाब नहीं दिया। तो अंदाजा लगाती ना, तुम बीवी हो उसकी, कुछ तो बताया होगा उसने कि वो क्यों परेशान है बातों बातों में। मुझे यूं बताएगा, सफीना बाजी है ना उसके दिल का दुख दर्द सुनने के लिए। मुझे मुझे मालूम है, उन्हें पता होगा। हाँ ये तो बड़ी ज्यादती करता है वो तुम्हारे साथ वैसे। अब देखो तुम उसकी बीवी हो, उसकी जीवन साथी हो, वो अपनी बातें तुम्हें बताए ना कि अपनी बहन को। वही ना, असल में ना जुनेद बहुत मोहब्बत करता सफीना बाजी से। मोहब्बत तो वो तुमसे भी करता है, तुम ही ने बताया था मुझे। हलाल
रिस्क कमाना आला तरीन इबादतों में से एक है बेटा। जिंदगी में सारी खैर बरकत इसके दम से कायम रहती है। खुदा का शुक्र है मैंने अपनी औलाद को उसके दिए पाक और तैयब रिस्क पर पाला। तुम भी हमेशा यही कोशिश करना। फौजिया पता नहीं कहां मर गई, फोन भी नहीं उठा रही। मुझे तो सख्त हैरत हो रही है, जुनेद ने तुम्हारी बात रख ली, मतलब इतनी आसानी से दस बरदार हो गया वो प्रॉपर्टी से हैं? हाँ तो जुनेद ने अब्बा जी की वसीयत का भी तो भरम रखना था, वरना कयामत के रोज अब्बा जी को क्या मुंह दिखाएगा। तुम भी अजीब हो वैसे सफीना बेगम। नहीं लेकिन सच पूछो तो मुझे थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है जुनेद के लिए। शकील साहब, जुनेद की सगी मैं हूँ, आप नहीं है। और वैसे भी जब औलाद की बात आती है ना, तो ये भाई बहन का रिश्ता, बाकी सारे रिश्तेदार सब पीछे रह जाते हैं। तो हमारा जज्बाती हो रही हो भाई। देखो मैं अभी कह रहा हूँ कि बुला लो जुनेद को, करो फोन करो उसे। अरे मुझे नहीं बुलाना है जुनेद को शकील साहब। दरअसल बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते की भिनक मीना को पड़े। हाँ समझे मीना। कौन है भाई? हेलो। हाँ फौजिया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फौजिया मुबारक हो आप दोनों का काम बखैरियत हो गया। कल इस एग्रीमेंट की कॉपी करा के आप दोनों को पहुंचा दूंगा। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद साहब आपके ताबुन का। आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि न जाने कितने ही लोगों की नजर थी आपके इस स्टोर पे। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेरी खुशकिस्मती कि ये मेरे हिस्से में आ गया। आई एम वेरी ग्लेड टू हैव इट। ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त की, ये सब किस्मत के काम है। कुछ दिनों पहले तक मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जगह को बेचने का, और अब देखिए। अल्लाह ताला की हर काम में मसलहत होती है जुनेद साहब, न जाने क्या कुछ अच्छा रखा होगा उसने आपके लिए। बेशक ये आपकी अमानत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अच्छा जी, थैंक यू। आइए भाई, तशरीफ लाइए, आए। लगी थी मैं जो गई, मैंने पता नहीं कितने सारे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल माशाल्लाह। ये बनफुदार करता क्या है? माशाल्लाह ये एक इंश्योरेंस कंपनी की सेल्स में है। अरे जबरदस्त, बहुत खूब भैया, इंश्योरेंस का तो बहुत अच्छा काम होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये मेरी बेटी निदा। माशाल्लाह, कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी होती? शकील भाई, हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। सफीना बाजी, मेरे भाई में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप पूरी तरह इत्मीनान कर सकती हैं। किरण, इत्मीनान कोई फौरन तो नहीं हो जाता ना, आखिर उम्र भर का फैसला है, कुछ सोचना समझना तो पड़ता है।
वैसे भी माशाल्लाह मेरी निदा के आजकल इस कदर रिश्ते आए हुए हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि किसको हाँ करें और किस किस को इनकार करें। जी बहन, आपको मुकम्मल इख्तियार है, आपका जो भी फैसला होगा हमें सोच कर जवाब दे दीजिएगा। सोच लिया भाई, मुझे तो आप लोग साथी तौर पे बहुत मुनासिब लगे हैं और मुझे यकीन है कि आप मेरी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता मंजूर। मुबारक भाई, अब तो देखे ना, घर के सरबरा ने हाँ कह दिया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। किरण बेटा, मुंह मीठा करवाओ। जी अब्बा। ये ले मुंह मीठा, लो तुम भी करो। शकील भाई, मुंह मीठा करने जबरदस्त। शकील भाई, आज के बाद निदा हमारी बेटी है। आओ आओ जुनेद, बैठो ना, सब अपने ही हैं यहाँ। ये मेरा भाई है जुनेद। भाई क्या मेरे बेटे जैसा है। अगर इस पूरी दुनिया में मुझे कोई अपनी जान से ज्यादा अजीज है तो वो ये है, मेरा भाई। फिर तो इस खुशी के मौके पर इन्हें यहाँ जरूर मौजूद होना चाहिए था, आखिर इनकी भांजी का रिश्ता तय हुआ। निदा का रिश्ता तय कर दिया आपने बाजी? मुबारक हो। माजर चाहता हूँ, मैं इस तरह दिन बुलाया आ गया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, सॉरी, मैं चलता हूँ। अरे जुनेद, बैठो ना भाई। अरे नहीं नहीं शकील भाई, मैं चलता हूँ। बाजी, मैं आपको बस बताने आया था, जो काम आपने कहा था वो हो गया है, इसलिए बाप आप बेफिक्र हो जाए। हो गया? हाय, जीते रहो मेरे भाई। एक बार फिर आपको मुबारक। जरा जल्दी में था, बड़ा मसरूफ रहता है मेरा भाई। निदा, चाय डालो ना, चाय ठंडी हो रही है।
खाना यहाँ ले आओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब से आए हो इतने खामोश हो, सुबह भी इतने परेशान थे, ऐसा भी क्या हो गया जो इतने अपसेट हो? पहले भी मैं पूछती रह गई, तुमने बताया ही नहीं। ऐसी कोई खास बात नहीं है मना, तुम बस वहम कर रही हो। तुम खाना खा लो जाकर। सफीना बाजी के हाँ गए थे? हाँ गया था। तो ऐसे कहो ना कि वहीं से खाकर आ रहे हो, मैं फजूल में इसरार करी। हाँ हेलो किरण, बोलो। मीना मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ यार। हाँ मैं सफीना बाजी के बात की मुखालिफत नहीं कर सकती थी, वरना तुम्हें सब कुछ पहले से ही बता देती। पता है भाई को निदा इतनी पसंद आ गई कि मुझे सफीना बाजी की हर बात माननी पड़ी। लेकिन शुक्र है वहाँ जुनेद भाई आ गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। जुनेद भाई ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा ना? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो किरण, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे खुद नहीं पता था मेरा, मैं बस चंद मिनट के लिए वहां गया था। तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ? ऐसे हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी प्यारी सफीना बाजी की बेटी की मंगनी हो रही हो और तुम्हें पता ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। यूं कहो ना कि तुम्हारी सफीना बाजी ने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि शरीक करती। मेरा इसको इतना पर्सनल मत लो, मैं तुमसे कह रहा हूँ सफीना बाजी ने मुझे नहीं बताया था कि वो निदा का रिश्ता तय कर रही। सब कुछ शायद बहुत जल्दी में हुआ हो, इसमें तो बुरा बनाने वाली बात नहीं है। जुनेद मुझे बिल्कुल बुरा ना लगता अगर तुम भी वहां ना गए होते तो। कुछ तो शर्म कर लेते, कुछ तो इज्जत रख लेते मेरी सफीना बाजी के सामने। किरण क्या सोचती होगी कि ये हैसियत है मेरी, अपने ससुराल में कोई वक्त ही नहीं है, जलील करके रखवा दिया है तुमने मुझे। गॉड प्लीज बात को बढ़ाओ मत, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी परेशानी से मुझे कोई सरोकार नहीं, तुम्हें बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं है, समझ आई? और अपनी सफीना बाजी को एक बात समझा दो, मेरे घर में अगर दोबारा कदम रखेंगी तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। मीना, मीना। मैं तो इतनी खुश हूँ, शुक्र है इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। और तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो कि कोई लंबी चौड़ी ससुराल ही नहीं है। मगर अब एक बात का ध्यान रखना, अभी से ज़रा सा फासला रखना, थोड़ा लिए दिए रहना, ताकि शादी के बाद जल्द अज जल्द अपना घर अलग कर लूँ। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? नहीं, और ना ही समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह ना खुदगर्ज और संगदिल नहीं बनना चाहती। अब तो मुझे आपसे डर लगने लगा है अम्मी। निदा क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसे जबान चला रही हो तुम अपनी माँ से? माँ से ऐसे बात करते? तो सच्ची तो कहा है मैंने अम्मी, आपसे ज्यादा सख्त और कौन हो सकता है भला? न सगे भाई की तो बर्बादी करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई मौका नहीं जाने देती आप उनको नुकसान पहुंचाने का, और वो बेचारे कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। हाँ तो मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम्हें इस कदर बुरा लग रहा है? अरे अगर मैंने उसको नहीं बुलाया था ना तो उसकी भी एक वजह थी, और फिर आखिर में हुआ क्या, वो आ भी गया, उसने शिरकत भी की, सब कुछ ठीक हो गया। गौर से देखा था आपने उन्हें? उनकी आंखों में कितना दुख और कितना गिला था, मैं तो शर्म के मारे उनसे नजरें तक नहीं मिला पाई। और वो गोदाम आखिरकार बिक गया है ना अम्मी, अब तो बस एक घर रह गया है, उस पर भी आप कब्जा कर ले, फिर ही शायद आपको तसल्ली मिल जाएगी। निदा मेरे आगे ना बिल्कुल अब बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। खबरदार जो तुमने आइंदा मेरे आगे जबान चलाई या मुझे अकल सिखाने की कोशिश की, जाओ। नहीं अम्मी, आप तो अकले कुल हैं।
तुम्हारी कोई जवान बेटी होती ना जिसकी शादी नहीं हुई होती तो तुम्हें पता चलता कि कैसी फिक्र खाई जाती है। ये मेरा भाई है जुनेद। भाई क्या मेरे बेटे जैसा है। अगर इस पूरी दुनिया में मुझे कोई अपनी जान से ज्यादा अजीज है तो वो ये है मेरा भाई। फिर तो इस खुशी के मौके पर इन्हें यहाँ जरूर मौजूद होना चाहिए था। आखिर इनकी भांजी का रिश्ता तय हुआ। आज अब तक उठा नहीं? क्या काम पर नहीं जाना आज? या फिर कोई और प्रोग्राम होगा सफीना बाजी के साथ, इसीलिए लंबी तान कर सो रहा है। लेकिन कुछ तो हुआ है, इतनी देर तक कभी सोया तो नहीं। देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, आइए अंदर, अंदर आइए। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मीना, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। बस वो जुनेद की तरफ से मैं काफी फिक्रमंद था, कल बहुत अपसेट था वो। अब आज सुबह से मैं उसको फोन कर रहा हूँ, उसका फोन भी बंद जा रहा है। वो कहाँ है? वो तो सो रहा है अभी तक, मैं बस उठाने जा रही थी। अच्छा, इतनी देर तक वो सोता तो नहीं है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं देख लूँ उसे। जी अम्मी। क्या हुआ नहीं अम्मी? वो ना अभी अनवर मामू की कॉल आई थी और वो ये कह रहे हैं कि मामू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बुखार हो रहा है उन्हें और अभी डॉक्टर भी उन्हें देखने आए थे। तो क्या तुम छोटी मोटी बातों पे हाथ पांव फुलाकर बैठ जाती हो? और उस अनवर को तो मर्ज है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने का। इस मीना को भी तो अनवर ही लेकर आया था, पता नहीं कब मेरे भाई की जान छोड़ेगी ये मीना। अरे तो आप चली जाए ना उन्हें देखने, हर्ज क्या है? भाई बावली हुई हो क्या, ऐसे कैसे चली जाऊं? ऐसा करती हूँ, मैं हुसनारा को फोन करती हूँ पहले, वो जाकर वहां उसको देखा है जुनेद को, उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। ऐसा करो, जाओ मेरे कमरे में जाओ, मेरा फोन लेकर आओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ। बस प्रिस्क्रिप्शन भी इसी के अंदर ही है, ठीक है, और ये सारी दवाइयाँ जो भी डॉक्टर ने लिख के दी थी मैं लेकर आ गया। मुझे बस करना ये कि वक्त की पाबंदी के साथ उसे देते रहना, ठीक है ना? डॉक्टर ने कुछ बताया कि हुआ क्या है? परेशानी की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर कह रहे हैं कि जुनेद ने इस वक्त काफी स्ट्रेस लिया हुआ है, पता नहीं क्या बात है, और काफी बुखार हो रहा है उसे। शाम तक अगर उसका बुखार कम नहीं हुआ तो मजबूरन हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा उसे। किस बात की परेशानियों से? आपको तो पता होगा मीना, बीवी हो तुम उसकी, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर वो क्यों परेशान है। कोई मुझे कुछ बताएगा तो पता चलेगा ना, जुनेद मुझे कुछ बताता ही नहीं है। उसके लिए बस सफीना बाजी ही सब कुछ है। सोचे कल निदा का रिश्ता तय हो गया और मुझे बुलाना तो दूर, बताना गवारा नहीं समझा। मुबारक हो यार, निदा का रिश्ता तय हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे क्या मुबारक दे रही हो, जुनेद और सफीना बाजी को तो। खैर तुम क्यों अपना दिल जला रही हो, कोई बात नहीं। क्या वन भाई, सब ठीक है? जुनेद इस वक्त बीमार है, काफी तेज बुखार हुआ है उसको, डॉक्टर अभी देख कर गया। मीना तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, यही रहती हूँ मैं।
सुबह ही हुआ है बुखार, टेंशन में ख्याल नहीं रहा। जुनैद अंदर ही है, चलो मैं मिल के आती हूँ। आप बैठे अनवर भाई, मैं आपको चाय पानी कुछ पूछा नहीं, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, मेरा इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, जुनैद का ख्याल रखो, शाम में मैं फिर चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें, हुसैन आरा भी आ गई है, हम संभाल लेंगे। मीना मीना, जुनैद तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी हो, जुनैद तुम्हारी जिम्मेदारी है, हुसना की नहीं। उसे अकेला मत छोड़, जाओ शाबाश उसके पास जाओ, जाओ फौरन।